फ्रेंड्स वेलकम बैक टू लेट्स टॉक विच ऑलवेज रॉक्स। आज के एपिसोड में आज का खासियत है फ्लिपकार्ट चलाया हुआ ये हैवेल्स का गीज़र, 3 लीटर का इंस्टानियो गीज़र है। जैसे मैंने आपको कहा था, इसको ऐसे ऐसे करके पूरे मज़े लेने चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों का दिवाली भी बहुत शानदार मज़े से कटाया बिताया होगा। आप तो हम भी अपने तरीके से मज़ा ले रहे हैं, इसलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये रहा दोस्तों हैवेल्स का 3 लीटर इंस्टेंशियो गीज़र, जिसके साथ आपको मिलता है 5 साल का इनर कंटेनर का वारंटी, 2 साल का कंप्रेसर का वारंटी। कलर चेंजिंग एलईडी इंडिकेटर भी है, जिसके जरिए आपको आसानी से मालूम चल जाएगा पानी गर्म हुआ है कि नहीं, पानी ओवरहीट हुआ है कि नहीं, ऑफ हो रहा है कि नहीं, ऑन हो रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। इंस्टेंट गीज़र है, ये रहा उसका आउटर कार्टन का डिटेल्स। 3 लीटर का है, 3000 वाट मतलब 3 किलो वाट लोड इसको चाहिए, इसका ज़रूरत पड़ता है ठीक है। वाटर प्रेशर 0.6 मेगापास्कल, 6.5। अच्छा उसके बाद क्या है, इसके अंदर क्या क्या है लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, उसके बाद एक यूज़र मैनुअल, 2 फासनर्स और 2 फ्लेक्सी पाइप्स, पाइप ठंडा और गर्म पानी के लिए आपको लगाना तो होगा। अच्छा इसका MRP है 5195, लेकिन हमको ये मिला है सिर्फ 3199 में। आपको भी अगर ये चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है दोस्तों। तो ये सफ़ेद और मास्टर्ड वाला हमने लिए है, और ये करंट भी है, सितंबर 2009 का ही पैकिंग किया है, मैन्युफैक्चर किया है। ये बनाता है आपका दोस्तों हैवेल्स इंडिया लिमिटेड ठीक है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस आपका KG Mart दिल्ली न्यू दिल्ली में है। कंज्यूमर कंप्लेंट के लिए यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, ईमेल एड्रेस भी दिए गए हैं, वेबसाइट भी दिए गए हैं ठीक है। और कुछ इसमें खास नहीं है, नहीं मुझे नहीं दिखा दे रहा। आइए इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है। जो कैरी करने के लिए ऐसा था पहले, लेकिन वो हमारे फायदे का नहीं है, यहाँ पे टेप आया हुआ है, हम अभी टेप को खोलेंगे। हाँ तो दोस्तों अभी आपके सामने उद्घाटन होगा इस चीज़ का। हाँ तो इसमें क्या है, ये 2 पाइप्स दिए गए हैं ठंडे और गर्म पानी के लिए ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अच्छा स्टील पाइप है, ये प्लास्टिक पाइप नहीं है, जो अच्छा है हैवेल्स का स्टैंडर्ड के साथ जाता है। इसके लिए पाइप माउंट करने के लिए, गीजर माउंट करने के लिए स्क्रू और होल्डर भी दिए गए हैं। ये रहा दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं ये था आपका गीजर, और ये ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। पहले ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। ये है पार्ट्स लिस्ट ठीक है। पार्ट्स लिस्ट में क्या है, पावर ऑन एलईडी इंडिकेटर है, डे टू यूज़ एलईडी इंडिकेटर है, एम्बर कलर का हो जाएगा पानी गर्म होने से, कोल्ड वाटर का स्काई ब्लू कलर का इनलेट है ये नीचे वाला ठीक है, नीचे वाला कोल्ड वाटर का नीला वाला है, और रेड वाला पिंक वाला है हॉट वाटर का। सेफ्टी वाल्व है,
सेफ्टी वाल्व कौन सा है? अच्छा सेफ्टी वाल्व ये वाला है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आउटर शेल इनर टैंक तो हम खोल के नहीं देख सकते, पावर कॉर्ड और रीसेट बटन भी एक है, रीसेट बटन आपको मिल जाएगा इन दोनों के बीच पे, ठीक है। यहाँ पे रीसेट है, इसको अंदर दबाना है उसके बाद रीसेट होता है। इसमें तो दोस्तों जैसे हम देखते हैं प्लग वर्क तो कुछ है नहीं, प्लग शायद खरीदना पड़ेगा। इसके डायमेंशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कितना मिलीमीटर करके है, 3 लीटर का, ठीक है, 225 373 66.5 190 और ये 345, ठीक है। मॉडल का वेरिएशन के साथ ABCD करके मॉडल है, होता है जैसे कि ये मॉडल आपका है ए, ये सॉरी ये डायमेंशन का हिसाब दिया गया है, बी मतलब लेंथ है, ए मतलब विड्थ है, ऐसा करके डी मतलब डेप्थ है, सी मतलब दोनों नलियों का बीच का गैप है, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसमें क्या है, माउंटिंग सब वर्टिकल होना चाहिए, रेटेड पावर दिया गया है, करंट भी दिया गया है 16 एम्पीयर का करंट इसको चाहिए। अच्छा वेट भी दिया गया है, खाली का वजन है 218 किलो, ठीक है, और भरे हुए पानी के साथ इसका वजन आएगा आपका 6.2 किलो, ठीक है। की फीचर जो है वो भी अब है, जैसे आप देख सकते हैं हाइब्रिडिशन फ्री कैलिब्रेटेड थर्मोस्टेट सेफ्टी वाल्व और फायर डिटेंडेंट पावर कॉर्ड जो आग नहीं लगना चाहिए उसमें, रेजिस्टेंट है, डिटर्डेंट है, हाई वर्किंग प्रेशर में भी ये सूट करता है, ऊपर से बहुत ऊपर से अगर आपका पानी का दबाव आएगा तो बहुत हाई प्रेशर से नीचे आएगा, वो भी ये एडजस्ट कर लेता है। कलर चेंजिंग LED इंडिकेटर ISI मार्क्ड है ये, ठीक है, यहाँ पे साफ दिखा रहा है। कई सारे लोग ने ये डाउट उठाया है कि ये ISI मार्क नहीं है, लेकिन ये ISI मार्क्ड है, यहाँ पे साफ सब दिखाया गया है और पैकेजिंग में भी साफ देख सकते हैं कि इसमें ISI मार्क है, ठीक है, IS 8978 जैसे आप देख सकते हैं, तो ISI होना चाहिए वरना क्वालिटी का बारे में आपको डाउट रह सकता है। अच्छा ABS आउटर बॉडी है और इसमें टेम्परेचर का हिसाब के अनुसार कुछ चीज़ें दिए गए हैं, थर्मोस्टेट प्री कैलिब्रेटेड है, ठीक है, थर्मल कटआउट होता है आपका 92 डिग्री सेल्सियस पर और तो कुछ है नहीं। ये कैसे माउंट करेंगे आपको ये दिखाया गया है, होल ड्रिल करना है, इंसर्ट नट को इंसर्ट करना है, ब्रैकेट को इसके साथ फासन करना है, वाटर हीटर को माउंट करना है, ड्रिल होल इंसर्ट नट और उसके बाद जैसे जैसे कि ठीक है सॉलिड होल में या ऐसा होता है। ओ 3 लीटर का हिसाब में कोई ब्रैकेट वैकेट नहीं होता नहीं है, इंस्टेंटियो 3 लीटर, हैंग द वाटर हीटर ऑन बोल्ट्स ऑन द वॉल, डायरेक्ट आप बोल्ट के जरिए दीवार में फिक्स कर सकते हैं। अच्छा वाटर कंडीशन ये तो दिखाया गया है, वाटर प्रेशर है 60 मीटर से ज़्यादा होगा तो डेड वेट वाल्व इंस्टॉल करना होगा बिफोर आउटलेट, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस वाटर टैंक के साथ 1 किलोमीटर हाइट का डिस्टेंस होना चाहिए और इसका सर्किट भी दिखाया गया है, रेड मतलब लाइन, ब्लैक मतलब न्यूट्रल, आर्क मतलब येलो या ग्रीन होता है, यही कलर कोड होता है, ठीक है। रिंग LED यहाँ पे है जैसे आप देख सकते हैं, रिंग LED रेड ब्लू ग्रीन रेड ब्लैक, ठीक है, 4 कलर है ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। ये तो तार के जरिए शायद होगा, ऑपरेशन ऑफ वाटर हीटर, डू नॉट स्विच ऑन बिफोर फिलिंग द हीटर विथ वाटर, लीव द हॉट वाटर टैप ओपन, नाउ फिल द हीटर बाई ओपनिंग द कंट्रोल वाल्व एट द इनलेट, व्हेन द वाटर इज फुल द वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग,
to the hot water tap. Close the hot water tap. Now the water heater will always have water inside. Water drawn will be replaced by water from the water tank. Always keep the inlet control valve open. ठीक है, स्विच ऑन तो पूरा करना होगा उसके बाद आपको. अच्छा, ये 55 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को हीट करेगा, जो काफ़ी होता है नहाने के लिए या फिर ठंडे में गर्म पानी के लिए वो. और उसके बाद मेंटेनेंस क्लीनिंग का भी हिसाब किया गया है, कैसे कैसे करेंगे. ठीक है, यहाँ पे कई मेंशन नहीं किया हुआ है कि इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको हैवेल्स कई इलेक्ट्रिशियन या फिर टेक्नीशियन चाहिए, ऐसा कहीं पे मैं मुझे दिखा नहीं अभी तक. ठीक है, जैसे दोस्तों देखे आप ऐसा ही है. दोस्तों ये है रिचार्ज, जैसे अपने अब देख रहे हैं तो ये रहा आज का खास चीज, आज के एपिसोड का खासियत. जैसे आप देख सकते हैं, एक चीज़ देखिए इसके पीछे कैसे माउंट करे, ये है. ठीक है, इसको सिर्फ दीवार में लटकाना है, बस हैंग करना है. ओके, और यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है वो भी हम देखते हैं. ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, देखिए ऐसे ही मार्ट बोला है. जो जो बाहर मैंने दिखाया था वही है. वाटर हेड 65 मीटर मैक्स है, नॉर्मल तो वो काफ़ी होगा. हैवेल्स ने बनाया हुआ है, ऐसे मार्ट है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है. यहाँ पे है आपका रीसेट वाटर, ये लाल वाला प्रेस रीसेट लिखा हुआ है. इसके साथ कोई प्लग नहीं है दोस्तों, प्लग आपको खरीदना होगा खुद से, ऐसे आप देख सकते हैं. ठीक है, ट्रिपिंग प्लग एक तरफ खरीदना होगा इसके लिए. तो दोस्तों ये था आज का खास. ठीक है, अगर ये आपको अच्छा लगा तो ये लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करते रहिए. दोस्तों से भी कहिए, थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड.